गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम रीड करेंगे लेसन 8 है हमारा, वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप। वैल्यू मीन्स होती है कीमत, ऑफ फ्रेंडशिप मतलब होती है मित्रता। तो मित्रता की क्या कीमत होती है, ये हम इस स्टोरी से, इस कहानी से पढ़ समझेंगे। तो शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज ए बिग, एक बार एक बड़ा, ओल्ड मतलब पुराना, बनियान ट्री बरगद का पेड़, इन ए फॉरेस्ट एक जंगल में था। एक बार एक जंगल में बड़ा और पुराना किसका, बरगद का पेड़ था। क्राउन द क्रो लिव्ड इन हिज दिस ट्री, क्राउन उस कोए का नाम है। द क्रो कोआ लिव्ड ऑन हिज ट्री, इस पेड़ के ऊपर रहता था। मैनी अदर बर्ड्स, और भी बहुत सारे पक्षी, आल्सो केम टू दिस ट्री, इस पेड़ के ऊपर आते थे। वन डे, एक दिन, क्राउन सा, क्राउन ने देखा, ए मैन कमिंग टुवार्ड्स द बनियान ट्री, एक बार क्राउन ने देखा कि एक आदमी आ रहा है टुवार्ड्स द बनियान ट्री, उस बरगद के पेड़ की तरफ। ही वॉज क्राइंग ए बिग नेट, उसने एक बहुत बड़ा जाल भी लिया हुआ है, कैरिंग ए बिग नेट, एक बहुत बड़ा जाल भी साथ में ले रखा है। ही हैड कम टू द फॉरेस्ट टू ट्रैप बर्ड्स, ही हैड कम, वो आया है टू द फॉरेस्ट, जंगल में, टू ट्रैप बर्ड्स, पक्षियों को पकड़ने के लिए। ही वॉज ए हंटर, वो एक शिकारी था, ठीक है, हंटर मतलब होता है बच्चों शिकारी। द हंटर थ्रू सम ग्रेन्स, हंटर शिकारी ने, थ्रू मतलब होता है फेंकना, फेंक के, सम ग्रेन्स कुछ दाने, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे, शिकारी ने कुछ दाने पेड़ के नीचे फेंके। ही स्प्रेड हिज नेट, ही स्प्रेड मतलब होता है फैलाना, ही स्प्रेड हिज नेट, उसने अपना जाल फैलाया। ओवर द ग्रेन्स, उन दानों के साथ। देन ही वेंट टू स्लीप, देन तब ही वेंट टू स्लीप, चला गया सोने के लिए, स्लीप मतलब सोना। अंडर अनोदर शेडी ट्री, दूसरे किसी छायादार पेड़ के नीचे वो सोने के लिए चला गया अपना जाल डालकर। क्राउन हैड सीन द नेट, क्राउन ने उस नेट को देख लिया था। ही काउड लाउडली, वो जोर से काँव काँव करने लगा, ये उसकी आवाज़ है काउड। ही काउड लाउडली, वो जोर से काँव काँव करने लगा, काँव काँव, ठीक है। द अदर बर्ड्स, जो दूसरे पक्षी, हियर्ड हिम, दूसरे पक्षियों ने उसको सुना, हियर मतलब सुनना, एंड केम देयर, और वहाँ पर आ गए। दे आल्सो सा द नेट, उन्होंने भी उस जाल को देखा। दे डिड नॉट गो देयर, दे डिड नॉट गो देयर, वो वहाँ पर नहीं गए क्योंकि उन्होंने जाल देख लिया था। बट आफ्टर सम टाइम, परंतु कुछ समय बाद, ए फ्लक ऑफ पिजन्स, जो एक झुंड था कबूतरों का, फ्लू ओवर हेड, ऊपर से गुजरा। दे सा द ग्रेन्स, उन्होंने उन दानों को देखा, एंड स्वूप्ड डाउन, और नीचे की तरफ उतर आए। क्राउन काउड अगेन, कौओं ने फिर से, क्राउन ने फिर से काउ किया, काउ 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 काउ, ठीक है। बट द पीजन्स, परंतु कबूतरों, डिड नॉट अंडरस्टैंड हिज वार्निंग, वार्निंग मतलब होता है बच्चों चेतावनी, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, डिड नॉट मतलब, डिड नॉट अंडरस्टैंडिंग का मतलब हो गया वो नहीं समझे, परंतु जो कबूतर थे वो उसकी चेतावनी को नहीं समझे। दे ग्रीडली पीक्ड एट द ग्रेन्स, ग्रीडली पीक्ड मतलब अपनी चोंच से चुगना, एट द ग्रेन्स, वो अपनी चोंच से जल्दी उन दानों को चुगने लग गए। After eating their fill, जब वो भरपेट उन्होंने खा लिया था, उनका पेट भर गया था खाकर, they tried to fly away, tried मतलब कोशिश की, to fly away, वहाँ से ऊपर उड़ने की,
जब उनका पेट भर गया तो उन्होंने वहाँ से ऊपर उड़ने के लिए कोशिश की, बट दे कुड नॉट डू सो, परंतु वो ऐसा नहीं कर पाए। दे वर कट इन द नेट, वो उस जाल के अंदर फंस गए थे। ठीक है, देयर लीडर उनके नेता, देयर लीडर उनका नेता वॉज ए वाइज बर्ड, एक बुद्धिमान पक्षी था। ही मेड ए प्लान, उसने एक प्लान बनाया। जो उनका लीडर था उनके ग्रुप का, वो अच्छा आदमी था, समझदार आदमी था। तो ही मेड ए प्लान, उसने एक योजना बनाई उस आदमी ने, लीडर ने। ही सैड, उसने कहा, वहन आई गेव ए सिग्नल, जब मैं एक सिग्नल दूंगा, ऑल ऑफ यू, तुम सभी मस्ट फ्लैप योर विंग्स, अपने पंखों को फैलाना स्ट्रोंगली, मजबूती के साथ, तुम अपने पंखों को मजबूती के साथ फैला लेना। एंड देन, और तब, वी विल बी एबल, हम इस योग्य हो जाएंगे, टू फ्लाई टुगेदर विद द नेट, कि जाल को एक साथ लेकर उड़ जाएं। ठीक है, 1 2 3 फ्लाई, ही सैड, उसने क्या कहा, 1 2 3 उड़ो। और जैसे उसने फ्लाई बोला, सारे वो एक साथ जोर लगाकर उड़ गए। एंड सो वेंट द पिजन्स इन टू द एयर विद द नेट, एंड सो वेंट, और तब द पिजन इन टू द एयर, हवा में एक साथ उड़े, विद द नेट, जाल के साथ में। वहन, जब द हंटर वोक अप, हंटर मतलब शिकारी, वोक अप मतलब उठा, नींद से सो रहा था ना वो, तो जब वो शिकारी नींद से उठा, ही सा द स्ट्रेंज साइट, तो उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। द पिजन्स, जो कबूतर थे, वर फ्लाइंग, उड़ रहे थे, अवे विद द नेट, उस जाल के साथ में उड़ रहे थे। सून, जल्दी ही, दे वर आउट ऑफ द हंटर साइट, दे वर आउट, वो बाहर आ गए थे, ऑफ द हंटर साइट, शिकारी के पास से, जहाँ शिकारी था तो उसके पास से वो जल्दी ही बहुत दूर आ गए थे। दे फ्लू टू वन ऑफ देयर फ्रेंड, दे फ्लू और टू वन, वो अपने पहुँचे, टू वन ऑफ देयर फ्रेंड, अपने एक दोस्त के पास, मिक्की फील्ड माउस, ये उसका नाम है चूहे का। ठीक है, वहन मिक्की फील्ड माउस, जब मिक्की फील्ड माउस ने हियर्ड द स्टोरी, कहानी सुनी, ही ग्वेंड एट द नेट विद हिज शार्प टीथ, तो उसने कुतरा एट द नेट, उस जाल को, विद हिज शार्प टीथ, अपने मजबूत दांतों से, नुकीले दांतों से उसने जाल को कुतरा। सून, तब, द पिजन वर फ्री, जल्दी ही वो कबूतर आजाद हो गए। बाई देन, और तब, क्राउन हैड आल्सो फ्लॉन देयर, वो भी उड़कर वहीं आ गया, क्राउन जो कौवा था। ही लर्नड गुड लेसन फ्रॉम द पिजन्स, उसने उन कबूतरों से एक बहुत अच्छा पाठ सीखा था। लर्नड मतलब सीख लेना या सीखा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो सभी, ही लर्नड दैट, उसने सीखा, वन शुड नॉट गेट टेम्प्टेड ईजियली, ही लर्नड, उसने सीखा, वन शुड नॉट गेट, एक प्राप्त नहीं कर सकता टेम्प्टेड ईजियली, उस सफलता को बहुत आसानी से। द सेकेंड लेसन, और दूसरा लेसन कौन सा था, ही लर्नड वॉज टू रिमेन यूनाइटेड, कि उसने क्या सीखा दोबारा से, कि एकता होनी चाहिए। एंड फाइनली, और तब, ही लर्नड द वैल्यू ऑफ फ्रेंडशिप, उसको मित्रता की वैल्यू, कीमत समझ में आ गई। क्राउन हैप्पीली फ्लू बैक, जो क्राउन था कौवा, वो खुशी के साथ वापस उड़कर आया, टू द बनियान ट्री, उस बनियान के पेड़ के ऊपर। ठीक है, उसको समझ में आ गई थी ये बात कि एक तो आसानी से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता, और दूसरी कि हमारे अंदर एकता होनी चाहिए।
तो ये बच्चों आपका लेसन था, इसकी स्टोरी थी ये, ठीक है। इसका जो प्रैक्टिस पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।